हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा पहले लेक्चर में मैंने मीडियन तक का करवा दिया था, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में। अब इसमें आपके पास में अगला क्या टॉपिक है, मोड। मोड यानी बहुलक, इसको क्या बोलते हैं, बहुलक हिंदी में। तो मोड क्या है एक्चुअल में, ये किसके लिए, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रहता है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसकी क्या है, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच हैविंग द विच इज हैविंग द इंडिविजुअल डेटा के लिए मैक्स, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, सो दैट विल बी द मोड ऑफ दैट सेट। मतलब इसमें क्या है, पहला मैं जो बता रहा हूं, फोर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे उसमें ये नहीं क्लास इंटरवल नहीं होगा, या इसको कहीं इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। इसमें ऐसे मैं कह देता हूं डिसकंटिन्यूस, ठीक है, डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना ये। तो इसमें आपको क्या करेंगे, इसमें द ऑब्जर्वेशन which has maximum frequency is called mode of the डेटा या डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सेकंड में इसमें देखो मैं क्या बता रहा हूं, फोर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो बेटा फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास में द मोड इज गिवन एज। तो मोड किससे आपको कैसे मिलेगा, द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज, गिवन एज कैसे, तो मोड को जेड से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इज इक्वल टू यहां पे तो एल प्लस 2f माइनस f1 अपॉन f1 माइनस f2, f माइनस f1 माइनस f2 इन टू एच, ये फार्मूला रहता है। ठीक है, सो 2f माइनस f1, सॉरी दो नीचे आएगा, ये फार्मूला रहता है। तो इसको ध्यान से देखें मैं क्या बता रहा हूं, l प्लस f माइनस f1 बड़ी द एल लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास, इसमें आपके पास में लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब उसकी न्यूनतम सीमा आएगी। एफ क्या आ गया, एफ बहुलक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास आ गया। एंड व्हाट इज द एफ वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मोड क्लास, यानी मोड क्लास से पहले, मोड क्लास से पूर्व वर्ग की बारंबारता,
ये ध्यान रहे, क्या बोल रहा हूँ, एफ वन मोड क्लास से पूर्व वर्ग की बार बता, हिंदी वाले अपने आप लिखते जाए भाई। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रिसीडिंग द मोड क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रिसीडिंग द मोड क्लास, जस्ट प्रिसीडिंग द मोड क्लास, ठीक है। अब F2 क्या है, F2 किसकी है, यानी बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की, तो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट सक्सीडिंग मोड क्लास, ठीक है। तो यानी मोड क्लास के बाद वाले जो आपके पास में क्लास आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता है। तो एच आपको पता ही है, एच इज द क्लास इंटरवल, एच क्या है, क्लास इंटरवल, ठीक है। ये तो जैसे देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहां पे क्लास इंटरवल बेटा एफ इधर 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, ऐसा 35 to 42, 42 to 49, ऐसा है। अब इसमें देखो आपके पास में यहां पे 19, 25, 36, 72, 51, 43, 28, तो मेरे को ये बताओ विच क्लास हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसकी है ना आपके पास में, तो मोड क्लास क्या होगी बेटा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मोड क्लास हो गए। तो मोड क्लास इज 21, 28, तो L क्या हो गया बेटा यहां पे 21, L 21, तो F1 क्या हो गया, F1 इससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी 36, एंड व्हाट इज F 72, एंड व्हाट इज F2 इसके बाद वाले की 51, कोई दिक्कत इसमें, व्हाट इज H, H इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब आपके पास में यहां पे, अब इसमें देखो मैं अगर ये कहता हूं, इसमें देखो आपने Z निकाला है, तो मोड दैट इज L प्लस क्या आएगा, F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इन टू H, तो इसमें रखें तो L कितना आपके पास में 21, सो F माइनस F1, तो वो आपके पास में F माइनस F1
इसमें रखेंगे, सो दैट इज 72 माइनस 36, ठीक है। इधर नीचे आपके पास में 2f माइनस f1 माइनस f2, सो 2f देखो आपके पास में कितना है, सो ये 72 इंटू 2 माइनस f1, ऐसा हो गया, ये आपके पास में 21, ये दिस इज 36, ठीक है 144 माइनस, तो ये आपके पास में बेटा यहां पे सो ये 87, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 36 अपॉन, तो इधर 4 एंड 13 5, ऐसा आ रहा है कुछ इसका, ये आपके पास में एक्चुअल में ये बनेगा कितना, तो ये इंटू 7 और था ना, 7 और भूल गए, 7 और लगाओ यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपके पास में 242 अपॉन 54, सो दिस विल बी कितना बनेगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 25.42 आ रहा है, इस फॉर्म में आ गया। तो ये पता लग गया आपके पास में बेटा, ऐसे मोड का क्वेश्चन आज तक आया नहीं है कभी भी, ठीक है। तो देखो हमेशा क्या है, आपके पास में कोई भी डेटा दिया हुआ ना, आपके पास में अगर अपने इधर क्या है, एक्स आता है इधर एफ आता है, तो मीडियन ऑलवेज लाइज इन बिटवीन। अगर आपके पास में सिमिट्रिकल डेटा है तो सिमिट्रिकल डेटा में, अनसिमिट्रिकल डेटा में तो क्या होगा, अनसिमिट्रिकल डेटा में तो इस टाइप से, जैसे अनसिमिट्रिकल इधर इधर देखो आपके पास में ये एक्स इधर ज्यादा हो गए और इधर एक्स कम है, तो ये अनसिमिट्रिकल हो गए, अनसिमिट्रिकल, ठीक है। असममित बंटन अनसिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब अपने पास में इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जेड का हो गया, इधर एफ आएगा ना, ये जेड हो जाएगा, फिर यहां पे कहीं बीच में एम होता है बेटा, फिर इधर क्या होता है, एक्स बार होता है, ठीक है। तो आपके पास में एम ऑलवेज लाइज इन बिटवीन मोड, तो इसमें देखो किसके लिए ये, तो अनसिमिट्री के लिए, अनसिमिट्री के लिए आपके पास में देखो क्या होता है, इसमें या तो क्या होगा आपके पास में एक्स बार इज ग्रेटर देन एम, और आपके पास में ऐसा हो सकता है, ये किसके लिए बता रहा हूं, अनसिमिट्री के लिए। अच्छा फोर सिमिट्रिकल, सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटा आपके पास में ये तीनों ऑल दीज थ्री सेंट्रल वैल्यू बिल कंसाइड, तो ये कंसाइड करेंगे तो देखो इसमें कैसा होगा बेटा, ऐसा इस टाइप का हो जाएगा, ये तीनों के तीनों क्या सिमेट्रिकल में ऐसा आएगा, ऐसे हाफ इधर होंगे, ये एक्स आ गया बेटा इधर, तो इसमें आपके पास में ये एफ इधर, ठीक है। तो ये यहां पर आपके पास में जेड इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एक्स बार, ये तीनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसमें देखो अर्थमेटिक मीन मीडियन ऐसा कुछ बताया इसमें। अब आगे देखो देयर इज सम रफ रिलेशन बिटवीन द मोड मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन फॉर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखो रिलेशन बिटवीन
अर्थमेटिक मीन मीडियन एंड मोड फॉर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो क्या रिलेशन रहता है उनमें? सो वी हैव मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है? तो ये फॉर्मूला रहता है, इसको ध्यान में रहे, एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है बेटा इससे रिलेटेड। सो ये इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ध्यान रहे जय मैन में। तो ये मैंने आपको क्या सेंट्रल टेंडेंसी के जो 3 टाइप की होती है उसके बारे में अपने डिस्कस कर लिया बेटा। तो नेक्स्ट देखें, अब अपने पास में इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। अब ये जो हमने क्या सेंट्रल वैल्यू निकाली थी जो किसी भी सीरीज की, या मीन वैल्यू जो भी निकालते थे, तो उसमें देखो कोई भी क्लास की अपने, जैसे देखो कोई दो क्लास की कंपैरिजन करते हैं तो अपने दोनों का क्या है मार्क्स के, किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स को कंपैरिजन करते हैं तो दोनों क्लास का अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। मतलब ये जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, सो वी कैलकुलेट द, सो वी हैव टू टेल द विच क्लास इज बेटर इन सब्जेक्ट फिजिक्स। तो हमें ये बताना है कि फिजिक्स में कौन सी क्लास बेटर है। तो एक्चुअल में हम क्या रफली क्या कर लेते हैं, सभी स्टूडेंट्स के जो फिजिक्स में मार्क्स ऑब्टेंड बाई ऑल द स्टूडेंट्स भी फाइंड देयर मीन, अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं, फर्स्ट क्लास का दूसरी का भी निकाल लेते हैं, जिसका ज़्यादा बढ़िया होगा तो दैट विल बी द बेटर क्लास। पर इसमें एक ड्रॉबैक है, तो ड्रॉबैक क्या है अपने को देखो, सपोज वी हैव द एवरेज मार्क्स फॉर बोथ द क्लासेस सेम, अब दोनों क्लास के लिए आपके पास में एवरेज मार्क्स क्या सेम है, तो हम क्या कहते हैं बोथ द क्लास आर इक्वली गुड। पर उसमें ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज मार्क्स वी टेल द बोथ द क्लासेस आर इक्वली गुड, ठीक है? मतलब दोनों दे आर इक्वली गुड है, दे आर इक्वल इन परफॉर्मेंस, क्लियर? तो ये जो टू टेल द बोथ द क्लासेस आर इक्वल इन परफॉर्मेंस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। तो एक्चुअल में उनकी जो परफॉर्मेंस फाइंड आउट करना है, तो वो हम देखते हैं कि भी जो एक क्लास में क्या है, इन वन क्लास वी आर फाइंडिंग दैट द डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड बाय द ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द मीन वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, बट इन अदर क्लास द डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड बाय ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द मीन वैल्यू, अर्थमेटिक मीन वैल्यू इज वेरी लार्ज। तो जिसका डिविशन आपके पास में ज़्यादा होगा जिस क्लास में, वो क्लास बढ़िया नहीं सपोज की जाएगी, ठीक है? जैसे मैं एक कह देता हूँ, जैसे सपोज भी है तो वो बढ़िया नहीं बोली जाएगी, जिसका डिविशन कम होगा तो दैट क्लास विल बी बेटर वन। तो ऐसे आपके पास में फॉर द एग्जाम्पल 2 प्लेयर्स हैं आपके पास में, वो 4 वनडे खेलते हैं, सो वन प्लेयर स्कोरिंग द इन ईच वनडे, सो 50-50-50, एंड सेकेंड वन इज स्कोरिंग ईयर 0-100-100-0, तो दोनों का अपने पास में, इसका अपने पास में एवरेज कितना है 50 है, इसका एवरेज कितना है 50 है, बोथ आर अकॉर्डिंग टू दिस, सो बोथ द प्लेयर्स आर इक्वली गुड इन परफॉर्मेंस, बट दिस प्लेयर इज नॉट कंसिस्टेंट प्लेयर, ये कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है। सपोज दिस लास्ट मैच इज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्लियर है? तो इस मैच में उसको खेलना चाहिए था ही, मतलब हमें ये सोचा भी उसमें चलना चाहिए था, बट ही इज आउट फॉर डक, वो डक के लिए आउट हो जाता है, तो वो गलत हो गया ना। तो इसमें सबको उम्मीद थी, पर इसमें आपके पास में दिस प्लेयर आई ऑलवेज स्कोर द 50 इन ईच मैच, सो दिस प्लेयर इज
हैविंग नो डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू, बट हेयर दिस प्लेयर इज हैविंग द लार्ज डेविएशन. यहाँ पे आपके पास में जहाँ पे ये चलना नहीं चाहिए था, मतलब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच था सपोज करो, ये कीनिया के अगेंस्ट था, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट था, तो इसमें वो चलना है कोई फायदा नहीं है. क्लियर? तो इसमें सो दिस प्लेयर इज नॉट गुड. सो दिस डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मेन वैल्यू इन ए सीरीज इज कॉल्ड द डिस्पर्सन. तो इस डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए ये आपके पास में सेंट्रल वैल्यू, तो मेजरिंग ऑफ द सेंट्रल वैल्यू डज नॉट टेल अस हाउ मच डेविएशन इज देयर. मतलब ही हमारे को जो सेंट्रल वैल्यू हमने जो निकाली है माध्यमान, हमें ये नहीं बताता कि श्रेणी में आपके पास है माध्यमान से, माध्यमान से विचलन कितना है, बिखराव कितना है. तो ये उसका एक ड्रॉबैक था. तो इसमें अब आपके पास में क्या है, डिस्पर्सन क्या होता है, तो डिस्पर्सन की बात करते हैं. देखो डिस्पर्सन, मतलब डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द डिस्पर्सन. तो क्या कह रहा हूं, डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी सभी प्रेक्षणों का माध्यमान से विचलन क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है. इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विक्षेपण. डिस्ट्रीब्यूशन डेविएशन, सॉरी विचलन, अंतर ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन वैल्यू. अब मीन वैल्यूज आपके पास में यहाँ पे ए भी हो सकता है, एक्स बार भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, जेड, इस कॉल्ड डिस्पर्सन. अब डिस्पर्सन को मेजर करने के आपके पास में कितने मेथड हैं, आपके जो सिलेबस में दो ही है बेटा, एक तो मीन डेविएशन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन. तो मेथड्स फॉर मेजरिंग डिस्पर्सन, फर्स्ट वन है मीन डेविएशन. मीन डेविएशन, ठीक है. तो सेकंड वन है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें वेरिएंस भी आता है, ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पहले अपने बात करेंगे मीन डेविएशन की. व्हाट इज द मीन डेविएशन, मीन डेविएशन माध्य विचलन, ठीक है. क्या बोलते हैं, माध्य विचलन. यानी इसमें क्या होता है, आपको सभी ऑब्जर्वेशंस के मीन वैल्यू से डेविएशन का एब्सोल्यूट वैल्यू का अर्थमेटिक मीन लेना है. यानी आपको क्या करना है, इसमें मैं क्या कह रहा हूं, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द मीन डेविएशन. यानी सभी प्रेक्षण के मानों का आपके पास में मीन वैल्यू से विचलन के निरपेक्ष मानों का समांतर माध्य,
तो दैट इज कॉल्ड द मीन डेविएशन. तो क्या कह रहा हूं मैं, द अर्थमेटिक मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम फ्रॉम मीन वैल्यू. इट्स कॉल्ड मीन डेविएशन. ठीक है, तो देखो इसमें तो मीन वैल्यू यहां पे आपके पास में, मीन वैल्यू कैसा हो सकता है आपके पास में, एक्स बार एम हो सकता है, जेड हो सकता है. अब इसमें देखो पहले क्या आता है, फिर आपके पास में फोर मतलब इंडिविजुअल डाटा के लिए, फोर इंडिविजुअल व्यक्तिगत आंकड़े के लिए, इंडिविजुअल डाटा यानी व्यक्तिगत आंकड़े के लिए. तो आपके पास में देखो माध्य विचलन क्या होगा फिर यहां पे, मीन डेविएशन सिग्मा एक्स माइनस से इस तरीके से अपॉन एन. ठीक है, आपके पास में यहां पर देखो एक मिनट, इधर ए किसके इक्वल है, एक्स बार एम या जेड. तो ये मीन डेविएशन आ गया. अच्छा, अगर फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये व्यक्तिगत आंकड़े मतलब उसने वारंवरता बंटन नहीं दिया हो. अब मैं किसके लिए कह रहा हूं, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर फ्रीक्वेंसी डेटा या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बारंबारता बंटन के लिए, तो आपके पास में क्या रहेगा इसमें, तो मीन डेविएशन विल बी तो सिग्मा एफ ले लेना यहां पे, एक्स माइनस अपॉन एन. ये आपके पास में यहां पर ए आपको पता ही है क्या है, तो ये फार्मूला रहेगा. तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है. तो ये मैंने आपको जैसे देखो इसमें ये फार्मूला बताया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है, अब अपने बात करते हैं किसके, वेरिएंस की बेटा. तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले वेरिएंस आएगा. चलो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, इसमें देखो जेई मेन में आया हुआ है. क्वेश्चन क्या है, इफ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स 1 1 plus t,
वन प्लस टू डी वन प्लस हंड्रेड डी फ्रॉम मीन इज टू टू फाइव इज टू टू फाइव मतलब टू फाइव फाइव सॉरी सो देन डी इज इक्वल तो डी किसके इक्वल है ऑप्शन दे रखे हैं बेटा आपके पास में 10.1 सेकेंड 20.2 थर्ड बेटा इसमें 10 ठीक है सो इसमें फोर्थ आपको दे रखा है ठीक है इस तरीके से दे रखे हैं तो आपके पास में देखो इसमें ये कितनी ऑब्जर्वेशन हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर दियर 101 ठीक है तो इसमें आपके पास में पहले इसका मीन निकाल लेंगे तो ये ऑड में है ना ऑड में सो हियर व्हाट विल बी इट्स मीन तो एक तरीका तो देखो मैं आपको बता देता हूं जब ऑड नंबर में हो ना तो ऑड नंबर में आपके पास में जैसे कोई भी जैसे ये एपी जैसे दे आर फॉर्मिंग द एपी तो जैसे देखो 1 3 5 एंड हेयर 7 एंड दिस 9 तो आपके पास में जो बीच वाला टर्म होगा दैट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस तो इसका मिडिल टर्म जो होगा दैट विल बी द अर्थमेटिक मीन तो देख लो आप इसमें देखो अगर अपने इनका सबका सम करके 5 से डिवाइड करते हैं सो दैट विल गिव इक्वल टू 5 सो दिस इज 16 प्लस हेयर 9 सो अपने को इसका मीन निकाल लेते हैं तो इसमें देखो इसमें सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे आप इसका सो कितने 101 टर्म्स हैं तो मिडिल वन हेयर व्हाट विल बी इट्स मिडिल टर्म तो इसका 101 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 150 मतलब 51st टर्म इसका अपने पास में हेयर एक्स बार विल बी तो 50 T51 हो गया ना T51 तो वो निकाल लेते हैं वो कितना आता है आपके पास में तो यहाँ पे 1 प्लस दिस इज 50 T ये आपके पास में दिस इज एक्स बार निकाल दिया मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको समझ गए कब कह रहा हूं मैं जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या ऑड हो तो बीच वाला टर्म है दैट विल फॉर्म द हियर अर्थमेटिक मीन वो इसका अर्थमेटिक मीन बनाएगा अब बेटा आपके पास में ये किस फॉर्म में देखो 1 प्लस डी 1 प्लस 2 डी तो लास्ट में आपके पास में 1 तो इसमें बीच में कहीं ना कहीं आपके पास में क्या आएगा 1 प्लस 50 डी आएगा ठीक है इधर 1 प्लस 49D और इधर क्या आएगा 1 प्लस 51D इस फॉर्म में अब इसमें आपको क्या करना है x माइनस 1 प्लस 50D यही तो लिखना है तो ये आपके पास में यहाँ पे क्या आ गए x आ गए तो ये पहला कितना हुआ फिर आपके पास में 50D ये वाला आपके पास में 49D इस तरीके से आता जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0 यहाँ पे डी तो सेम नंबर ऑफ टर्म्स विल बी देयर इधर भी इतने ही आएंगे आपके पास में बेटा ये कितना हुआ आपके पास में तो इधर ये डी सो 2D इधर लास्ट में आपके पास में कितना हुआ 50D इस फॉर्म में सो व्हाट विल द मीन डेविएशन इज 255 सबको ऐड कर दें तो आपके पास में टोटल कितने ये 101 है तो ये दो बार ऐड हो जाएगा तो दो बार ऐड होगा तो क्या आएगा आपके पास है 2D यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 सो दिस इज 50 प्लस 0 अपॉन 101 ऐसा है ना इस तरीके से लिखोगे बोलो ये फार्मूला लगा दिया इनका सबका सम आ गया अब बेटा यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो तो ये कितने टर्म्स हैं आपके पास में सो ये 51 आएगा ठीक है इनटू 50 अपॉन 2 अपॉन में 101 सो व्हाट विल बी दिस इस वैल्यू को निकाल लेते हैं अपने ये कितना हुआ सो दिस इज हियर ये कितने पे कटेगा ये 5 पे कट रहा है ठीक है तो ये 10 आएगा सो डी इज इक्वल टू बी है सो 101 अपॉन 10 सो दिस इज 10.1 तो ये आंसर आ गया इसका ठीक है तो ये
नेक्स्ट देखें, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वेरियंस प्रसरण, इसको सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं। ये होता क्या एक्चुअल में, अर्थमेटिक मीन ऑफ दी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, अर्थमेटिक मीन ऑफ दी स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन वैल्यू। क्लियर? तो इसमें आप क्या लिखोगे, द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन वैल्यू, फ्रॉम मीन वैल्यू इज कॉल्ड वेरियंस। द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम, यानी आपके पास में उसमें मैंने मोड़ लिया था, आपको सभी किसी भी श्रेणी में या किसी भी श्रेणी में सभी परीक्षण के मानों का मीन वैल्यू से अंतर का वर्गों का समांतर माध्य है, ठीक है, वो क्या आएगा आपके पास में वेरिएंस। अब उसमें सिग्मा स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आगे क्या कह रहा हूं, द स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इससे फार्मूला देखो क्या बनता है आपके पास में, फॉर किसके लिए, फॉर इंडिविजुअल डाटा इसमें देखो सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, इस फॉर्म में। तो इसको देखो फिर आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर इधर, सो टू, यानी इसमें आपके पास में एक्स बार स्क्वायर, तो टू एक्स एक्स बार अपॉन यहां पे एन, इसको जब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास में, ये तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें सिग्मा एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, इधर आपके पास में एक्स बार टू, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो ये किस फॉर्म में आ गया आपके पास में, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन प्लस इधर आपके पास में सिग्मा एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे अपने, तो ये n n टाइम्स हो जाएगा, इसको बाद में क्या करेंगे, इसको बाहर आ जाएगा, तो बेटा इसको देखो फिर क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, तो इसमें अपॉन एन, तो ये आपके पास में बेटा n एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, अपॉन n, तो ये बाहर आ जाएगा, तो वन कितनी बार ऐड होगा, वन टाइम्स मतलब n टाइम्स, इसमें फिर आपके पास में x बार स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो इधर क्या हुआ, x स्क्वायर अपॉन n x बार होल स्क्वायर, सो दिस इज सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर इधर आपके पास में सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n, तो इसको अपने क्या लिखेंगे, x अपॉन n होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला मैंने ड्राइव किया, तो यहां पर आपके पास में सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n एंड
एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया बेटा, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये फार्मूला ध्यान में रखें, ये मानक विचलन का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैंने ये वेरिएंस को डिस्कस किया, तो इसमें बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, इसको आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन की और इसकी प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।